नमस्कार दोस्तों, ई दृष्टि के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। ए ई दृष्टि का ऑफिशियल चैनल है। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम लोग पॉलिटी वाले सेगमेंट को देख रहे हैं। मैं आपको बताते चलूं कि पिछले 20 वर्षों में जो सिविल सेवाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो BPSC हो, RO ARO हो, UPPCS हो या फिर अनदर स्टेट PCS हो, तो उन्हीं के क्वेश्चन को कुल मिला जुला के आयोग के क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। चारों ऑप्शन को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, तो एकदम इत्मीनान से क्लास चल रहा है। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। आज बारी है अनुसूचियों की। तो सवाल है कि अनुसूचियां क्या होती हैं, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। आपको यह भी बताते चलूं कि भारत का संवैधानिक विकास कंप्लीट हो चुका है, इसके अलावा संविधान सभा कंप्लीट हो चुका है। फिर हमने आपको बताया कि स्रोत जो अमेरिका से क्या चीजें ली गई हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, जर्मनी, फ्रांस जैसी सारी चीजें कहां से कहां क्या क्या चीजें ली गई हैं। इसके अलावा हमने संविधान के जो 22 भाग हैं उन 22 भागों में महत्वपूर्ण चीजों को डिस्कस किया। आज यही बारी है अनुसूचियों की। तो आते हैं, टोटल 22 शेड्यूल हैं, उसमें टोटल इतने समय 12 शेड्यूल हैं और उन्हीं शेड्यूल्स को हम अनुसूचियों को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन के फॉर्म में ये वाला जो क्वेश्चन है यह MPPCS 1990 में पूछा गया। तो हमने पहले ही आपको बता दिया कि हम 20 वर्षों का पिछला क्वेश्चन ले रहे हैं कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन, किस नेचर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो MPPCS में जब काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं, ये देख रही है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। देखें, आप कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं, कितनी अनुसूचियां हैं। तो जो मूल संविधान था, अपना मूल संविधान, जब मूल संविधान कुल मिला जुला कर जिस समय एक्सेप्ट किया गया, ठीक है ना, तो 26 नवंबर कह सकते हैं, 26 नवंबर 1949। तो यहाँ पर कुल मिला जुला कर संविधान सभा ने संविधान को एक्सेप्ट किया, स्वीकृत किया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये तो आपको डेट पता ही होगा, 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर संविधान, अपना प्यारा सा जो संविधान है, ये लागू हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ। तो कुल मिला जुला कर जो मूल संविधान था, यहाँ पर 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे। तो इन्हीं जो अनुसूचियाँ हैं 8, अब इनकी जो संख्या है उसमें 4 और अनुसूचियों को जोड़ करके वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां कर दी गई हैं। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कितनी अनुसूचियां हैं, तो टोटल 12 अनुसूचियां हैं। एक एक अनुसूचियों को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के ही फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, उसी के हिसाब से हम लोग आगे डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब सुनना जरा कि जैसे टोटल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन जायज है कि इसमें 4 अनुसूची को और जोड़ा गया है, तो कौन कौन सी अनुसूचियों को जोड़ा गया है उसको थोड़ा सा एक बार हम ड्राफ्टिंग कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आकर अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है, एक 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है, एक 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, 11वीं अनुसूची, और एक 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है, 12वीं अनुसूची। अब सुनना जरा, ये जो 9वीं अनुसूची है, एक्चुअली भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन की जब आवश्यकता पड़ी तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 करके 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। इसके तहत फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके, प्रथम संविधान संशोधन 1951 करके ये पहली अनुसूची जोड़ी गई है, सॉरी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। जो 10वीं अनुसूची है यह है 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है, और इसमें दल बदल विरोधी कानून की चर्चा है। दल बदल विरोधी कानून, विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ जिसे हम कहते हैं, दल बदल विरोधी कानून, तो उसी को हम 10वीं अनुसूची के माध्यम से 52वां संविधान संशोधन 1985 जब हम पढ़ेंगे तो अच्छे से डिटेल से देखेंगे। यहाँ हम शॉर्ट फॉर्म में देख लेंगे कि प्रावधान 10वीं अनुसूची के माध्यम से किया गया। फिर 11वीं अनुसूची और जो 12वीं अनुसूची है ये तो आपको रटना बिल्कुल नहीं है। जैसे 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, जो पंचायती राज व्यवस्था जब संवैधानिक उसको रूप दिया गया, तो ये अनुसूचियाँ दोनों जोड़ी गई। एक तो ग्रामीण स्तर पर या स्थानीय स्तर पर जब पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया जाता है, कुल मिला जुला कर 73वां संविधान संशोधन 1992, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। एक ग्राम प्रशासन के लिए है, ग्राम प्रशासन या ग्रामीण स्तर पर या स्थानीय प्रशासन के लिए। वहीं पर जब शहरी प्रशासन की बात आती है, नगर पालिका की बात आती है, नगर पालिका, तो इसके लिए 74वां संविधान संशोधन किया जाता है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, तो इसके लिए 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। कुल मिला जुलाकर मूल संविधान में अगर कुछ चीज़ें ऐड करनी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ता है, संविधान संशोधन करना पड़ता है। तो मूल रूप से जब 8 अनुसूचियाँ थी तो उसमें
टोटल जब चार अनुसूचियों को जोड़ा गया तो जायज है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संविधान संशोधन तो किया गया। पहला संविधान संशोधन 1951 करके नौवीं अनुसूची जोड़ी गई, फिर 52वां संविधान संशोधन 1985 करके दसवीं अनुसूची जोड़ी गई, फिर 73वां संविधान संशोधन 1992 करके 11वीं अनुसूची, देन 74वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि जो भी अनुसूचियां जुड़ी हैं कहीं ना कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से, संविधान संशोधन के माध्यम से जुड़ी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो जरा देखना क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दो में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, अनुसूचियों से ही संबंधित है। कह रहा है कि भारत के संविधान में 20 भाग हैं, अभी हमने बताया कि 22 भाग हैं, टोटल 22 भाग हैं। अगर उपखंडों को मिला दिया जाए, जैसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भाग 4 का जोड़ा गया जिसमें मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया, ऐसे ही अब जब आप जाएंगे भाग 9 का में, 9 खा में, तो ऐसे कुल मिला जुला कर अगर उपखंडों को मिलाया जाए तो टोटल 22 भाग से 25 भाग हो जाते हैं। वनडे का अगर एग्जाम आप देंगे तो 25 भाग तक पहुंच जाते हैं एग्जामिनर, लेकिन सिविल सर्विसेज में चूंकि काफी सेंसियर एग्जामिनर होते हैं तो यहां पर 22 भाग ही देते हैं। तो कुल मिला जुला कर उपखंडों को अगर हम जोड़ें तो 25 भाग, नहीं तो वैसे 22 भाग। तो ऐसे सरासर पूरा गलत है कि कथन एक कि 20 भाग नहीं भैया, 22 भाग मानिए उसको, तो पहला कथन गलत हुआ आपका। दूसरा कह रहा है कि भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, अभी हमने बताया कि टोटल 395 अनुच्छेद तो ये तो मूल संविधान में थे, जो फंडामेंटल अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, फंडामेंटल अपना प्यारा सा कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ही 395 अनुच्छेद थे। लेकिन इतने समय अगर हम संविधान संशोधन के माध्यम से जो इंक्रीजमेंट है अनुच्छेदों का उसको अगर देखें, आर्टिकल्स को देखें, तो लगभग 465 अनुच्छेद से प्लस इतने समय हो गए हैं। तो कुल मिला जुलाकर जो कथन दो है ये भी गलत है। कथन तीन क्या कह रहा है, कथन तीन कह रहा है कि भारत के संविधान में नौवीं अनुसूची, दसवीं अनुसूची, ग्यारहवीं अनुसूची और बारहवीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियमों द्वारा जोड़ा गया। अभी हमने बताया कि जो नौवीं अनुसूची है यह प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1951 में जोड़ी गई। दसवीं अनुसूची जो है यह 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई दल बदल कानून के रूप में, और जो ग्यारहवीं अनुसूची है इसको 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से पंचायती राज या स्थानीय प्रशासन, ग्रामीण प्रशासन के रूप में जोड़ा गया। देन बारहवीं अनुसूची को हमने बताया कि 74वां संविधान संशोधन 1992 में ये जोड़ी गई शहरी प्रशासन के लिए जिसे नगर पालिका कहा जाता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, केवल का केवल आपका तीन ऑप्शन सही है, तीसरा केवल कथन तीन सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। तो आई होप पसंद आ रहा होगा कि जो भी चीजें हम एक एनालिसिस कर रहे हैं, मेरा अर्थ ये नहीं बता देना कि केवल तीन सही होगा, ऐसा क्या ए मास्टर का मतलब कि एकदम बेकार का कॉन्सेप्ट है। कुल मिला जुला कर आप देखिए ना कि चीजों को समझाइए अच्छे से, देन उसके बाद डिसीजन लीजिए कि हाँ ए ऑप्शन सही हुआ तो क्यों सही हुआ। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीन जरा देखना। कह रहा है कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से एक राज्यों के नाम की सूची और उनके राज्यों के क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो टोटल 12 अनुसूचियां हैं, इन 12 अनुसूचियों में जो पहली अनुसूची है या प्रथम अनुसूची है, इस प्रथम अनुसूची को थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे ताकि हमको जानकारी हो जाएगी कि आखिर क्या चीजें उसमें कही गई हैं। एक क्वेश्चन जो पूछा गया ये IAS प्री वर्ष 2003 में पूछा गया और UPPCS मेंस में 2014 में पूछा गया, जब सिलेबस नहीं चेंज हुए थे। तो पहली अनुसूची को थोड़ा सा ड्राफ्टिंग के माध्यम से समझते हैं और फिर आते हैं अपने क्वेश्चन पे। जो प्रथम अनुसूची कहती क्या है, यह प्रथम अनुसूची दो चीजें कहती हैं। पहला कि राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र, ये पहला लाइन है आपका, जो पहली अनुसूची है उसकी पहली लाइन है कि राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र। दूसरी इसकी लाइन है संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, संघ जो यूटी हैं, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं, यही चीजें आपके
प्रथम अनुसूची में कही गई हैं। लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि कह रहा है कि राज्यों के नाम और संघ राज क्षेत्रों के नाम कुल मिला जुलाकर इतने समय वर्तमान में जो 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, कहीं ना कहीं इनकी चर्चा कर रहा है। प्रथम अनुसूची, प्रथम जो अनुसूची है वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नामों की चर्चा कर रहा है। और फिर क्या कह रहा है पहले वाले लाइन में जरा देखना कि राज्यों के नाम, मतलब कि कुल मिला जुलाकर 28 राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र। ये न्यायिक क्षेत्र क्या है? और उनके न्यायिक क्षेत्र मतलब कि अगर उत्तर प्रदेश का न्यायिक क्षेत्र अगर हम देखें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट कह सकते हैं, या फिर पश्चिम बंगाल का हम न्यायिक क्षेत्र देखें तो कलकत्ता हाईकोर्ट कह सकते हैं, महाराष्ट्र का अगर न्यायिक क्षेत्र देखें तो मुंबई हाईकोर्ट कह सकते हैं, बिहार का अगर न्यायिक क्षेत्र देखें तो पटना हाईकोर्ट कह सकते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि एक कहना क्या चाह रहा है। एक कहना चाह रहा है कि जो राज्यों के नाम हैं उन राज्यों के नाम, उनके क्षेत्र, उनकी सीमाएं, ये चीजें दर्शाई गई हैं प्रथम अनुसूची में, और उनके जो न्यायिक क्षेत्र हैं उनको जो है प्रथम अनुसूची में इंडिकेट किया गया है। ऐसे ही जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये 8 केंद्र शासित प्रदेश और उनकी सीमाएं, कहां तक उनकी सीमाएं हैं, वो सारी चीजें ये जो है प्रथम अनुसूची में क्लियर की गई हैं। अच्छा, यहां पे थोड़ा सा आपको कोरिलेट ये करना चाहिए कि प्रथम अनुसूची से अगर हम संविधान के 22 भागों में किसी भाग से तुलना कर सकते हैं तो वो प्रथम भाग है, प्रथम भाग, या फिर संविधान का कह सकते हैं कि जो पहला भाग है, फर्स्ट पार्ट, वो इसी अनुसूची से रिलेट करता है। प्रथम भाग में क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, पहला वाला भाग हम पढ़ाएंगे ना, पहला वाला भाग। तो पहला वाला जो भाग है संघ एवं उसके, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, ये संविधान के 22 भागों में जो पहला भाग है, फर्स्ट वाला जो पार्ट है, इसका उल्लेख किया गया है। और इसका उल्लेख मैं आपको बताते चलूं कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक किया गया है। एक बार क्वेश्चन ये पूछा कि अगर भारत के संघ क्षेत्र में किसी राज्य का प्रवेश करना हो तो किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा, जायज है कि पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अनुसूची में आप भाग 1 से कोरिलेट करते कर सकते हैं कि पहली अनुसूची पहले भाग से रिलेट करती है। अब सुनना जरा, अनुच्छेद 1 जो है, थोड़ा सा यहां पे हल्का सा हम संक्षिप्त में बता देते हैं कि जो अनुच्छेद 1 है, आर्टिकल 1, यह कहता है कि इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब कि भारत जो कि इंडिया है, राज्यों का एक संघ होगा। यहां राज्यों के संघ की बात की गई है, मतलब कि कुल मिला जुलाकर जो अपने 28 राज्य हैं इन राज्यों का संघ होगा, वो अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? यहां पर संसद को एक पावर दी गई है और कहा गया है कि संसद कुछ शर्तों और निर्बंधन के आधार पर नए राज्यों का प्रवेश भारत के राज्य क्षेत्र में कर सकती है। ये अनुच्छेद आपका 2 है। हम यह कहना चाह रहे हैं कि अनुच्छेद 2 और 3 में कंफ्यूज नहीं होना है, जब हम संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र पढ़ाएंगे तो क्लियर करेंगे। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस यहां पे जानते हैं, अनुच्छेद 2 उसके लिए प्रयोग किया जाता है जो कभी भारत के राज्य क्षेत्र का हिस्सा नहीं था, और उसको जब भारत में प्रवेश किया जाता है तो आर्टिकल 2 का पार्ट होता है। जैसे सिक्किम, जैसे सिक्किम एक कभी भी भारत का पार्ट नहीं था, लेकिन जब इसको भारत में शामिल किया गया तो वो आर्टिकल 2 के तहत किया गया। अगर मैं ये कहूं कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होके नया राज्य बना, आर्टिकल 3 का पार्ट होगा। उत्तर प्रदेश से अलग होके उत्तराखंड अलग राज्य बना, आर्टिकल 3 का पार्ट होगा। तो आर्टिकल 3 सीधा सा कहता है कि संसद को यह पावर है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, सीमा परिवर्तन कर सकती है, नाम परिवर्तन कर सकती है। ये सब सारी एक्टिविटी आपका आर्टिकल 3 में आएंगी, आर्टिकल 3 में आएंगी। और आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 4 कहता है कि, आर्टिकल 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो भी चीजें, जो भी गतिविधियां की जाती हैं वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं मानी जाएंगी। ठीक है ना? आई होप क्लियर हो गया होगा पूरा। हमने जो भी था इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, अनुसूची प्रथम और इसके अलावा भाग 1, तो सारी चीजें क्लियर कर लिए हैं। आते हैं अब क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ए था आपका, यही वाला क्वेश्चन था कि संविधान, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो अब तो क्लियर, अब तो दिक्कत नहीं होगी,
पहली अनुसूची। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब जरा देखना, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि यदि भारत संघ, इंडियन यूनियन, ये भारत संघ की बात कर रहा है, भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से मतलब 12 अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं बताने की आवश्यकता होगी, एक मास्टर जब इतना कुछ बता दे तो आसानी से चीजें हो जाए, वो ज्यादा बेहतर है। तो पहली अनुसूची अभी अभी हमने पूरा डिस्कस किया, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये IAS वर्ष 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसके अलावा लोअर PCS 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पे अगर आप ट्रेंड एनालिसिस करें तो IAS के रिपीटेड क्वेश्चन लोअर PCS में पूछे जा सकते हैं या UPPCS में पूछे जा सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। यह कह रहा है कि भारत के संविधान में चौथी अनुसूची विभेजित करती है। चौथी अनुसूची क्या है, अब सुनना जरा, थोड़ा सा हम इसको नेस्ट करके चौथी अनुसूची को डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। जो चौथी अनुसूची है, चौथी अनुसूची क्या कहती है कि सुनना जरा, ये संसद है अपना प्यारा सा संसद, और संसद के दो सदन, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा, जो चौथी अनुसूची है इसी राज्यसभा के बारे में है। चौथी अनुसूची कहती है कि राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन होना चाहिए वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किस प्रकार होना चाहिए, वही प्रावधान चौथी अनुसूची में किया गया है। मतलब कि अगर मैं ये कहूँ कि राज्यसभा के टोटल सीटों की संख्या 250 है, अधिकतम सीटों की संख्या 250, तो 250 सीटों में ये राज्यों में डिवाइड होंगी, यह राज्यों में डिवाइड होंगी और केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड होंगी। केंद्र शासित प्रदेशों में जो यूटी हैं, चाहे दिल्ली हो, पांडिचेरी हो, सिक्किम हो, किसको कितनी सीटें मिलेंगी इन 250 सीटों में, 28 जो राज्य हैं और 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो सवाल है कि इन 250 सीटों में किन राज्यों को, किन केंद्र शासित प्रदेशों को कितनी कितनी सीटें आवंटित होगी, यही चर्चा चौथी अनुसूची में की गई है। अब अगर मैं एक एग्जाम्पल के रूप में लूं राज्यों का, तो अगर अपना प्यारा सा उत्तर प्रदेश देखूं तो यहां पर सबसे अधिक 31 सीट राज्यसभा की है, सबसे ज्यादा सीट। वहीं पर जो पश्चिम बंगाल है, यहां पर 16 सीट है। बिहार में कितनी सीटें हैं राज्यसभा की, बिहार में 16 सीटें हैं। महाराष्ट्र में कितनी है, महाराष्ट्र में तो यहां पर 19 सीट है। तमिलनाडु में कितनी है, तमिलनाडु तो यहां पर 18 सीट है। तो ऐसे कुल मिला जुलाकर मैं एक कॉन्सेप्ट आपको देना चाहता हूं कि जो चीजें कही गई हैं वो किस प्रकार प्रेजेंटेशन आपका हो, किस प्रकार आपकी सोच बेहतर उस पर हो, किस प्रकार आपका अप्रोच उस पर हो, तो ऐसा कुछ आप जो है चौथी अनुसूची को समझ सकते हैं कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में। ठीक है ना भैया, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब ये हुआ कि मास्टर यहां ने बताया अधिकतम सीट राज्यसभा की, यहां ने छोड़ दिया, नहीं इसको भी जान लेना चाहिए आपको। तो यहां पर अगर मैं कहूं तो इतने समय अधिकतम सीटों की संख्या 550 है, राज्यसभा की अधिकतम, लोकसभा के अधिकतम सीटों की संख्या 550 है। हालांकि पहले 552 हुआ करती थी, दो सीटें आंग्ल भारतीय। अच्छा, आंग्ल भारतीयों की परिभाषा या आंग्ल भारतीयों की जो चर्चा है वो आर्टिकल 366 में चर्चा है, 366 में चर्चा है। ठीक ना, एक्चुअली इनकी संख्या ये हुआ कि इनका भी प्रतिनिधित्व लोकसभा में होना चाहिए जब अपना संविधान बन रहा था, तो ये हुआ कि ये तो चुनाव के माध्यम से आ नहीं सकते हैं, क्योंकि भारत में क्या है कि जो ज़्यादा वोट पाएगा वो विजयी होगा, तो इनकी संख्या काफ़ी कम थी, इसलिए ये हुआ कि इनको राष्ट्रपति क्या करे, मनोनीत कर देगा। लेकिन मैं आपको बता दे चलूँ कि इनकी संख्या वर्तमान में 200 से कम हो गई है, और लगभग वर्तमान में 10 लाख जनसंख्या पर एक जो है लोकसभा सीट होनी चाहिए, एक आंकड़ा मैं बता रहा हूं लगभग।
लेकिन इनकी संख्या 200 सीट से कम हो गई है, इसलिए जो राष्ट्रपति के द्वारा ये दो आंग्ल भारतीय सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत किया जाता था, नॉमिनेट किया जाता था, इसके प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। तो सवाल है कि किसी अधिनियम का आधार लिया गया होगा? हाँ भैया, एक अधिनियम का आधार लिया गया है। कौन से अधिनियम का? 104वां संविधान संशोधन, इसको आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, यही 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 ला करके ये जो दो आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत किए जाते थे लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा, अब इसके प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। तो इतना कुछ आपने इसमें जाना। खैर, आपको राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में जानना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनना जरा। ये वाला क्वेश्चन तो हो गया होगा, अब मैं बताने से पहले ही उसको कर दिया। तो ये क्वेश्चन कह रहा था कि भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विभेजित करती है तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ए आपका ए ऑप्शन सही होगा। एक क्वेश्चन कब पूछा गया? यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जरा देखना। कह रहा है कि भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं आना है, पहले हल्का सा इसको चेक कर लेना है, तीसरी अनुसूची डिटेल से पढ़ लेना है हल्का सा, फिर उसके बाद देन हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो सुनना जरा, ये तीसरी अनुसूची क्या है? तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची में जो संवैधानिक पद है, ठीक है ना, संवैधानिक पद, इनके शपथ प्रतिज्ञान, इनकी जो है चर्चा की गई है। मतलब कि कुछ ऐसे पद हैं जिनके शपथ और प्रतिज्ञान की का उल्लेख ये तीसरी अनुसूची में किया गया है। चौथी अनुसूची अभी हमने पढ़ाया आपको, ये तीसरी अनुसूची है। कुल मिला जुला कर शपथ की पॉइंट आप याद रखिएगा, शपथ या प्रतिज्ञान या ओथ का प्रावधान किस अनुसूची से रिलेट करता है? तो वो तीसरी अनुसूची है। तो सवाल है कि कौन से पद, जैसे संसद सदस्य, इनके इनको अगर शपथ लेना होगा तो ये तीसरी अनुसूची में वर्णित किया गया है। राज्य के विधानमंडल, राज्य विधान मंडल, इनके सदस्य, इनके सदस्यों के शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में रिलेट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट या फिर कहें कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश, इनके शपथ का प्रावधान भी अनुसूची तीन में रिलेट कर किया जा सकता है। और संघ के जो मंत्री हैं, संघ के मंत्री, या फिर कहें कि राज्य के जो मंत्री हैं, राज्य के जो मंत्री हैं, इनके शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची से रिलेट किया जा सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग कहते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक जिसे कैग कहते हैं, इसके शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में है। तो कुल मिला जुला कर जो संवैधानिक पद, कुछ ऐसे संवैधानिक पद हैं जिनके शपथ या प्रतिज्ञान या ओथ की चर्चा तीसरी अनुसूची में की गई है। लेकिन ये तो सिंपल, ये तो वनडे का जो है कॉन्सेप्ट हुआ, कुछ और बताना चाह रहा हूं। कुछ ऐसे संवैधानिक पद हैं, कुछ ऐसे पद हैं जिनके शपथ की चर्चा जो है तीसरी अनुसूची में नहीं की गई है। तीसरी अनुसूची में शपथ की चर्चा नहीं की गई है, वही क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो सुनना जरा, एक तो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति एक ऐसा पद है, राष्ट्रपति और राज्यपाल, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन तीनों पदों के शपथ की चर्चा या उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है। राष्ट्रपति जो शपथ लेता है, ये आपको पता होगा कि अनुच्छेद 60 के तहत ये शपथ लेता है, और राज्यपाल जो शपथ लेता है यह है अनुच्छेद 159 के तहत शपथ लेता है, और उपराज्यपाल जो शपथ लेता है ये 69 के तहत शपथ लेता है। तो स्पेशल अनुच्छेदों के माध्यम से इनके शपथ का प्रावधान किया गया है अलग से, तीसरी अनुसूची में कुल मिला जुला के चर्चा इनके शपथ की नहीं है। और यहीं से क्वेश्चन आया है, अब क्वेश्चन जरा देखना, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि संघ के मंत्री तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है?
पहला है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, तो आपको अभी अभी हमने चर्चा किया, तो पहला कथन आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, अभी हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट और या हाई कोर्ट चाहे जो न्यायाधीश हो उनके शपथ का जो प्रारूप होगा वो चर्चा की गई है, तो दूसरा भी कथन सही है। तीसरा कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, तो अभी तो हमने बताया ना कि तीन पद ऐसे हैं, वो राष्ट्रपति है, वो राज्यपाल है और वो जो है उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है। इन तीनों पदों की चर्चा तीसरी अनुसूची में शपथ के रूप में नहीं की गई है, तो यही तो आपको गलत हो गया। अच्छा, तीन जब गलत हो गया तो थोड़ा एलिमिनेट मेथड अपना लीजिए, तीन यहां पे है ए वाला गलत, तीन यहां पे है ए वाला गलत, तीन यहां पे है ए ऑप्शन में ए भी गलत, केवल का केवल आपका सी ऑप्शन बचा। तो अगर केवल आपका अगर यही आपको पता हो कि इन तीनों पदों की चर्चा तीसरी अनुसूची में नहीं की गई है, सो आपका ऑप्शन अच्छे से क्लियर हो जाता। हालांकि चौथा पढ़ते हैं, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ, तो चाहे संसद के सदस्य लें या राज्य विधानमंडल के सदस्य लें शपथ, सबकी चर्चा जो है तीसरी अनुसूची में की गई है, तो अब बताने की आवश्यकता नहीं, मुझे लग रहा है कितना बता दिए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, तो आते हैं सुमेलित करते हैं जरा। चौथी अनुसूची संविधान की अनुसूचियां हैं, जो चौथी अनुसूची अभी हमने बताया कि जो चौथी अनुसूची है वह राज्यसभा के सीटों के आवंटन से रिलेट है, तो राज्यसभा से मिला दीजिए आप। देन छठी अनुसूची, देखिए पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची, जो पांचवी अनुसूची है वह कहती है कि अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के विषय में उपबंध करना, लेकिन जो छठी अनुसूची है वह असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम इन क्षेत्रों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विषय में उपबंध करती है। थोड़ा सा सुनना जरा, जो पांचवी अनुसूची है यह है एससी एंड एसटी इन क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण इनके विषय में उपबंध करती है पांचवी अनुसूची, और जो छठी अनुसूची है यह है चार राज्यों को स्पेशल तौर पे शामिल कर लेती है, एक असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के एसटी क्षेत्र जो हैं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, इन्हीं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और उनके नियंत्रण के विषय में उपबंध किया गया है। अब देखिए छठी अनुसूची नहीं इसमें दी गई है, हाँ छठी अनुसूची दी गई है तो तुरंत जो है जनजातीय क्षेत्र कर लीजिए। फिर अष्ट अनुसूची, जो आठवीं अनुसूची है, आठवीं अनुसूची एक्चुअली 22 भाषा संविधान में टोटल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, अभी हम थोड़ा सा 22 भाषाओं को डिस्कस कर लेंगे क्योंकि जो है वहां से बार बार क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि मूल संविधान में आठवीं अनुसूची थी और जो नौवीं अनुसूची जोड़ी गई है वो संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई है भू सुधार के रूप में 1951 में, तो ये आपका जोड़ लीजिए। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ये तो आपका ऑप्शन हो गया होगा मुझे लग रहा है, आते हैं थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। डिस्कस क्या करते हैं कि आठवीं अनुसूची को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, आठवीं अनुसूची, इन आठवीं अनुसूचियों में टोटल 22 भाषाओं की चर्चा है संविधान में, टोटल भारत एक भाषाई विविधता वाला देश है, तो सवाल है कि संविधान किन भाषाओं को मान्यता देता है, टोटल 22 भाषाओं को मान्यता देता है, कैसे सुनना जाए। इन 22 भाषाओं में 14 जो भाषाएं हैं जब अपना प्यारा सा संविधान बनकर तैयार हो गया था उतने समय अपने मूल संविधान में था, ये मूल संविधान में टोटल 22 भाषाओं की चर्चा थी, टोटल 14 भाषाओं की चर्चा, लेकिन जायज है कि 6 भाषाओं को ऐड किया होगा, तो 6 भाषाएं वे कौन सी भाषाएं थी सुनना जरा, 6 भाषाओं को ऐड किया गया, तो इसमें से एक तो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम, अब देखिए जो भी चीजें संविधान में ऐड की जाएंगी जायज है कि संविधान संशोधन करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम 1967 किया गया और इसके माध्यम से एक भाषा जोड़ी गई सिंधी भाषा, इसके माध्यम से एक भाषा जोड़ी गई सिंधी भाषा। फिर उसके बाद एक और संविधान संशोधन किया जाता है
71वां संविधान संशोधन 1992, और इसके माध्यम से तीन भाषा जोड़ी जाती है, कोंकणी, मणिपुरी और एक भाषा है नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये तीन भाषाएं 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी जाती हैं। एक और संविधान संशोधन किया जाता है, 92वां संविधान संशोधन, और ये किया जाता है 2003 में किया जाता है। इसके तहत चार भाषाएं जोड़ी जाती है, कौन कौन सी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और एक भाषा है संथाली। तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये चार भाषा। तो 4, 3, 7, 1, 8, 14, अच्छा ये 8 होगा सॉरी, तो 14 और 8 टोटल 22 भाषाएं, ये आपका 8वीं अनुसूची है। तो देखिए यहां से अमेंडमेंट करके जो क्वेश्चन जो शामिल की गई हैं भाषाएं, उन भाषाओं को क्वेश्चन करके पूछता है। एक बार क्वेश्चन पूछा कि शास्त्रीय भाषाएं निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी भाषाएं हैं जो शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो हिस्ट्री वाले कहें कि मेरा क्वेश्चन है, पॉलिटी वाले कहेंगे मेरा क्वेश्चन है, तो कौन सी भाषाएं शास्त्रीय भाषाएं हैं उसको भी आप यहीं पे जान लीजिए। आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था शास्त्रीय भाषाएं, तो शास्त्रीय भाषाएं कितनी भाषाएं हैं, तो एक तो है आपका तमिल है, ये शास्त्रीय भाषा है, तेलुगु है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, एक भाषा है मलयालम और एक है संस्कृत। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, इनको आपको याद रखना चाहिए, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, मलयालम और संस्कृत। शास्त्रीय भाषाएं वे भाषाएं होती हैं जिनका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस होता है, जिनका कल्चरल इंपॉर्टेंस होता है, ऐसी भाषाएं जिनका जो है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व होता है वे भाषाएं शास्त्रीय भाषाएं कहलाती हैं। ये 6 भाषाएं हैं, टोटल 6 भाषाएं। तो देखिए भाषा को लेकर मास्टर ने ये भी बता दिया, 8वीं अनुसूची को लेकर भी और शास्त्रीय भाषाओं को लेकर भी, ठीक है ना। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से फिर डिस्कस करेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये मिलान करना है, फिर वही 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची क्या है, तो 7वीं अनुसूची में हमने बताया कि केंद्र और राज्य के मध्य, दोनों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है, संघ सूची के रूप में या केंद्र सूची के रूप में, राज्य सूची के रूप में और समवर्ती सूची के रूप में। संघ सूची या केंद्र सूची के विषयों पर केंद्र कानून बनाता है जो 100 सब्जेक्ट इतने समय दिए गए हैं उनको। राज्य सूची है, इतने समय टोटल 61 सब्जेक्ट हैं जिस पर राज्य कानून बनाता है। वहीं पर समवर्ती सूची, इतने समय टोटल 52 सब्जेक्ट हैं जिस पर कानून बनाने का काम केंद्र भी करती है, राज्य भी करती है। हालांकि अगर केंद्र के द्वारा और राज्य के द्वारा बनाए गए जो कानून हैं उनमें विवाद उत्पन्न हो जाए, जैसे शिक्षा है, एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समवर्ती सूची का विषय है, परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है, अगर ऐसे में दोनों कानून बना दें और दोनों के कानूनों में अंतर विरोध उत्पन्न हो जाए, तो सवाल है कि किसका कानून मान्य होगा, केंद्र का कानून मान्य होगा। देखिए बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, ठीक है ना, केंद्र का कानून मान्य होगा। ये आपका जो है एक प्रकार से 7वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची अभी डिस्कस किया कि भाषाओं से रिलेट है। 9वीं अनुसूची जो है अभी इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में हम तुरंत डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ऑप्शन पे आ जाते हैं फिर उसके बाद। 9वीं अनुसूची ए जो है भू सुधार या जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में इसको जोड़ा गया और जवाहरलाल नेहरू के समय इसको जोड़ा। एक बार आईएएस में क्वेश्चन पूछा 2019 या 20 वाले यूपीपीसीएस में कि जो प्रथम अनुसूची जोड़ी गई वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जोड़ी गई, तो उतने समय तो 1951 में कौन होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे, ठीक है ना। तो इसको आप जो है भू सुधार से कह सकते हैं या फिर भू सुधार में जो कानून निर्मित किए गए उन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, ऐसा कुछ प्रावधान किया गया, अभी देख लेते हैं उसको। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून के रूप में, तो आते हैं थोड़ा सा मिला लेते हैं। जो 7वीं अनुसूची है इसको आप मिला लीजिए शक्तियों का जो है वितरण, विधायी शक्तियों का वितरण। फिर जो 8वीं अनुसूची है इसको हमने बताया कि भाषा से मिला लीजिए। फिर 9वीं अनुसूची जो है इसको कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, अभी समझाते हैं।
फिर जो दसवीं अनुसूची है इसको आप मिला लीजिए दल बदल कानून एंटी डिफेक्शन ला से, ठीक है ना। अब अपना आंसर आप ले लीजिए। ए आर ओ आर ओ में पूछा गया था, वर्ष 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो सवाल है कि नौवीं अनुसूची क्या है। नौवीं अनुसूची थोड़ा सा समझ लेते हैं, नौवीं अनुसूची, और नौवीं अनुसूची को अगर हम ड्राफ्टिंग के माध्यम से समझें तो इसको प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ा गया। और इसको जोड़ा गया, आपको यह भी बताते चलूं कि जवाहरलाल नेहरू के समय जोड़ा गया, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछ लिया है तो जवाहरलाल नेहरू के समय इसको जोड़ा गया। इसका सब्जेक्ट क्या है, क्या जोड़े जाने का कारण था? तो कारण सबसे बड़ा इसका उद्देश्य जो था वो जमींदारी उन्मूलन था। जमींदारी अभी बताते हैं, जमींदारी उन्मूलन और भू सुधार, जमींदारी उन्मूलन और भू सुधार था। नौवीं अनुसूची जो जोड़ी गई, एक प्रथम संविधान संशोधन 1951 जो किया जाता है, इसके तहत, इसी के तहत एक अनुच्छेद जोड़ा जाता है, अनुच्छेद 31B, और इसी 31B को जोड़ करके एक प्रावधान किया गया नौवीं अनुसूची का, और सब्जेक्ट डाले गए जमींदारी उन्मूलन और भू सुधार। इतना तो क्लियर होगा। आके हैं आगे, आगे क्या पढ़ते हैं हम, इसी में पढ़ते हैं। आपको थोड़ा सा हम रिलेट करेंगे, थोड़ा सा रिलेट करेंगे फंडामेंटल राइट से, मूल अधिकारों से, और फिर हम जो है जमींदारी उन्मूलन या भू सुधार पे आएंगे। तो आपको पता होगा कि मूल अधिकारों की संख्या मूल संविधान में, मूल संविधान में 7 हुआ करती थी मूल अधिकार। और उन मूल अधिकारों में जैसे कि समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये 6 मूल अधिकार इतने समय हैं। लेकिन जो मूल संविधान था इसमें टोटल 7 मूल अधिकार थे। एक जो 7वां था यह संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का मूल अधिकार। अगर मैं ये कहूं आपसे कि मूल अधिकारों का अगर आपका वायलेशन होता है तो आप अनुच्छेद 32 का सहारा लेके अपने मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या फिर अनुच्छेद 226 का सहारा लेके आप अपने मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए अपने हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये मूल अधिकार है संपत्ति, और जमीन भी, सुनना जरा, जमीन, जो जमीन है यह भी तो एक अस्थाई संपत्ति है ना, एक अस्थाई संपत्ति है जमीन। तो संपत्ति का उतने समय मूल अधिकार प्राप्त था। और जैसे ही अपना प्यारा सा भारत जब आजाद हुआ तो सरकार ने यह सोचा कि जो जमींदारी व्यवस्थाएं भारत में लागू रही थी पहले से ही, आपने पढ़ा होगा कि रैयतवाड़ी, जमींदारी, महलवाड़ी, ये सब सारी व्यवस्थाएं पहले से ही चली आ रही थी मुगल पीरियड से, फिर जो है औपनिवेशिक शासनकाल में। अब इन्हीं व्यवस्थाओं को समाप्त करके जिनके पास जमीनें नहीं थीं उनको जमीनें उपलब्ध करवाना था, यही जमींदारी उन्मूलन कहलाया, जो सब्जेक्ट है नौवीं अनुसूची का। तो यहां पर मैं आपको बताते चलूं कि जब नौवीं अनुसूची नहीं जोड़ी गई थी उससे पहले क्या हुआ कि मूल अधिकार संपत्ति के अधिकार के रूप में विद्यमान था। और जैसे ही सरकार ने क्या किया कि जो जमींदार वर्ग थे जिनके पास ज्यादा जमीनें थी उनकी जमीनों को जैसे ही सरकार ने लेने का प्रयास किया, वो संपत्ति का मूल अधिकार का दावा ठोक करके वो न्यायालय चले जाते थे कि भैया हमारा जो है संपत्ति का अधिकार का राइट हमको प्राप्त है, संपत्ति के अधिकार का हमको राइट प्राप्त है। अब सुनना जरा, बिहार में एक केस आया कामेश्वर सिंह बनाम पटना। पटना के ही एक जमींदार थे कामेश्वर, और कामेश्वर की जैसे ही जमीन बिहार गवर्नमेंट ने लेनी सोची तो कामेश्वर क्या करते हैं कि अनुच्छेद 226 का सहारा लेकर के ये पटना हाई कोर्ट चले जाते हैं। और पटना हाई कोर्ट ने कहा कि भैया संपत्ति का अधिकार मिला हुआ है और इस प्रकार किसी की जमीन को आप ले नहीं सकते हैं। कामेश्वर सिंह के केस में मैटर आया। तो ऐसा लगा अब सरकार को कि कहीं ये जो संपत्ति का अधिकार है इस संपत्ति के अधिकार के कारण
कोई भू सुधार जमींदारी उन्मूलन वगैरह हो ही नहीं पाएगा। तो लोग नेहरू के पास इकट्ठा हुए कि महोदय अब कैसे किया जा सकता है। नेहरू खुद परेशान थे, लोगों ने कहा कि किया जा सकता है, संसद के पास पावर होती है। किसकी पावर होती है? संविधान संशोधन की। संसद के पास एक बहुत बड़ा हथियार है, संविधान संशोधन। महोदय संशोधन करिए ना आप। तो पहला संविधान संशोधन 1951 किया गया, और पहला संविधान संशोधन 1951 करके एक अनुसूची जोड़ी गई, नौवीं अनुसूची। और कहा गया कि क्या गया कि भैया ये चीजें कहा गया, सुनना जरा, कि जमींदारी उन्मूलन और भू सुधार इनसे संबंधित संसद अगर कोई भी कानून बनाएगी तो उसको नौवीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाएगा। और जो भी कानून जमींदारी उन्मूलन और भू सुधार से संबंधित संसद कानून बनाएगी उसको कोई भी व्यक्ति, कोई भी निकाय, कोई भी पर्सनालिटी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं ले जा सकती है। मतलब कि इसको न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया, न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर रखा गया, न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया, ज्यूडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया। यह है आपकी नवीं अनुसूची। अब कोई जाए ना, कैसे जा पाएगा वो? न्यायालय फैसला ही नहीं सुनेगा कि नवीं अनुसूची है। लेकिन आपको एक केस में बताऊं, चूंकि सिविल का बैच है, वनडे का होता नहीं बताता, सिविल का है और सिविल में क्वेश्चन भी IAS में पूछे गए हैं, इसीलिए नवीं अनुसूची जोड़ी गई। आई होप क्लियर हो गया होगा। इतने समय 284 कानून इस पर बनाए जा चुके हैं, जमींदारी उन्मूलन और भू सुधार से। हकबंदी का नाम सुना होगा, चकबंदी का नाम सुना होगा, रैयतवाड़ी कानून सुना होगा, ये सब इसी से रिलेट है पूरे। तो 284 कानून है, लेकिन 2007 की बात है, 2007 की बात है, वर्ष 2007 में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आता है, आई आर कोहेल्लो बनाम तमिलनाडु राज्य, वर्ष 2007 एक केस आता है, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भैया संसद जो जमींदारी उन्मूलन और भू सुधार से संबंधित कोई कानून अगर बनाएगी तो उसको क्या किया जाएगा, न्यायालय में उसकी जांच की जाएगी। दोस्तों, उसकी जांच या उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। और कब से की जा सकती है? देखिए, फौजदारी कानून और दीवानी कानून दोनों में अंतर होता है। ये है आपका दीवानी कानून, और दीवानी कानून पहले के डेट से लागू किया जा सकता है, पहले के डेट से। और कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं उनकी ज्यूडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। तो कुल मिला जुलाकर क्या नौवीं अनुसूची में शामिल जो अधिनियम है, विधि है, कानून है, उसका न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है? आपको उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। 2007 से पहले अगर क्वेश्चन आता तो आप कहते नहीं किया जा सकता है, जबकि 2007 में ये तो ऑप्शन, ये तो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है ना। तो ये पूरा आपका पूरा हिस्ट्री है, इसको आप जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नहीं लेट हो जाएगा ज़्यादा। नवा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में नवीं अनुसूची, अभी हमने बताया कि नेहरू के शासनकाल में 1951 में यह अनुसूची जोड़ी गई थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत की संसद किस कानून विशेष को भारत के संविधान की नौवीं अनुसूची में डाल सकती है। भारत की संसद किसी कानून विशेष को, किसी कानून मतलब कि वही कह रहा है कि जो जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है या फिर जो भू सुधार से संबंधित है उसी को कह रहा है, उसको नौवीं अनुसूची में डाल सकती है। हाँ, ऑफकोर्स वो डाल सकती है, इतने समय तभी तो 284 कानून है ना। ये RSTV का मैं आपको डिबेट बता रहा हूँ कि RSTV में डिबेट हुआ था, वही मैं सुना कि 284 कानून इतने समय इंक्लूड है। हालांकि आप लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ेंगे 282 कानून है, ठीक ना। नौवीं अनुसूची में डाले गए, अब सुनना जरा, नौवीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता, क्या ऐसा है क्या, तथा उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं लिया जा सकता, क्या ऐसा है क्या,
ऐसा नहीं है, आईआर कोयल्लोबनम तमिलनाडु का राज्य का मामला आया वर्ष 2007 में, तो वहीं पर तो कहा गया कि जो भी कानून अगर नवीं अनुसूची में शामिल किए जाते हैं उसका ज्यूडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, और तब से किया जा सकता है 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर कोई कानून शामिल किया गया है तब से इसकी वैधता की जांच की जा सकती है कि कहीं ये जो कानून डाला जा रहा है, ये जो भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन के लिए कानून शामिल किए जा रहे हैं नौवीं अनुसूची में, कहीं ये कानून संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट तो नहीं कर रहे हैं, संविधान के मूल ढांचे को वायलेट तो नहीं कर रहे हैं, संविधान के मूल अधिकार को वायलेट तो नहीं कर रहे हैं। अगर वायलेट करेंगे तो शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ये आपका पृथक्करण जब अनुच्छेद 13 कभी पढ़ाएंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो ए तो कट जाएगा, एक ही केवल बचा। एक क्वेश्चन पूछा गया, देखिए अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, 2018 आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए देखिए आ गया केस, कोयल्लो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो अभी अभी बताया हमने, नवीं अनुसूची से रिलेट है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? अब देखिए ये जो सातवीं जो समवर्ती सूची है, सातवीं अनुसूची जब हम पढ़ेंगे तो यहीं पे थोड़ा सा हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं सातवीं अनुसूची, और इसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है, एक तो संघ सूची के रूप में, एक राज्य सूची के रूप में, और एक किया गया है वो समवर्ती सूची के रूप में। संघ सूची में वर्तमान में 100 सब्जेक्ट हैं, हालांकि जो मूल संविधान था उसमें 97 सब्जेक्ट थे। वर्तमान में राज्य सूची में टोटल 61 सब्जेक्ट हैं, हालांकि मूल संविधान में इसमें 66 सब्जेक्ट हुआ करते थे। समवर्ती जो सूची है इसमें मूल संविधान में 47 सब्जेक्ट हुआ करते थे, हालांकि वर्तमान में इतने समय टोटल 52 सब्जेक्ट हैं। आपको पता होगा कि संघ सूची पर कानून केंद्र बनाता है, राज्य सूची पर कानून राज्य बनाता है, और जबकि समवर्ती सूची पर कानून सेंटर भी बनाता है और स्टेट भी बनाता है। लेकिन अगर दोनों के कानूनों में थोड़ा सा अगर कंट्राडिक्शन उत्पन्न हो जाए, विवाद उत्पन्न हो जाए, उस स्थिति में जो केंद्र का कानून है, एक केंद्र का कानून सेंटर का कानून मान्य होगा। आपके समवर्ती सूची से ही सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं। संघ सूची में जैसे आप रक्षा के मामलों को ले सकते हैं, विदेश मामलों को, मुद्रा मामलों को, संचार मामलों को, रेलवे को, ठीक ना, तो ये सब सारी चीजें संघ सूची में शामिल की गई हैं। राज्य सूची में जैसे आप एग्रीकल्चर ले सकते हैं, कृषि ले सकते हैं, आप स्वच्छता ले सकते हैं, सफाई ले सकते हैं, ठीक ना, पुलिस प्रशासन ले सकते हैं आप, ये सब सारी चीजें राज्य सूची। समवर्ती सूची में वन ले सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं आप, आपराधिक या दीवानी मामले आप ले सकते हैं, ठीक ना, या फिर जो है पंछियों का संरक्षण ले सकते हैं, न्याय प्रशासन ले सकते हैं, तो ये सब सारी चीजें समवर्ती सूची में। और समवर्ती सूची में एक ए भी है, जानवरों की प्रतिकूलता, इसको रोकथाम के लिए समवर्ती सूची, मतलब राज्य भी प्रयास करेगा और केंद्र भी प्रयास करेगी कानूनों के माध्यम से, तो समवर्ती सूची, ठीक ना भैया, कॉन्करेंट लिस्ट, इसको आपने जाना। एक बार यह मैं बताऊं कि जो 47 सब्जेक्ट से 52 सब्जेक्ट किया गया है, 5 सब्जेक्ट बढ़ाया गया है इसमें, और 5 सब्जेक्ट को 42वां संविधान संशोधन 1976 करके बढ़ाया गया था, और पांचों सब्जेक्ट को एक बार क्वेश्चन पूछा है, इसमें 5 सब्जेक्ट कौन से बढ़ाए गए हैं, तो वे 5 सब्जेक्ट हैं, एक तो है वन, और दूसरा है वन्य जीव एवं पंछियों का संरक्षण, तीसरा है शिक्षा, और चौथा है माप तौल, और एक पांचवा है न्याय प्रशासन। तो ये पांचों सब्जेक्ट आपको याद रखने चाहिए। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि क्या कुछ कैसे है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? अभी अभी हमने बताया कि आपराधिक मामले जो हैं वो समवर्ती सूची के हैं, बाकी जो पुलिस है ये तो राज्य सूची का, हमने बताया राज्य सूची का विषय, एग्रीकल्चर भी जो है राज्य सूची का विषय है, ठीक ना, सफाई भी राज्य सूची का विषय है, स्वच्छता भी किसकी है, राज्य सूची का विषय है, ठीक, रेडियो टेलीविजन और विदेश मामले ये संघ सूची के विषय हैं, संघ सूची के विषय इसमें, और संचार भी आप शामिल कर सकते हैं, वही संचार, विदेश मामले भी शामिल, वो जो विदेश मामला दिया गया है, रेलवे को आप शामिल कर सकते हैं, जनगणना को अच्छा आप शामिल कर सकते हैं, जनगणना, अच्छा परिवार नियोजन किस में आएगा, जनसंख्या नियंत्रण किस में आएगा, समवर्ती सूची में आएगा परिवार नियोजन या जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है ना,
जनगणना किस में आएगा, तो आपका संघ सूची में आएगा जनगणना। तो ये सब सारी चीजें छिटपुट चीजें हैं, इसको आप देख लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, इसको आपको ध्यान में देखना चाहिए, रखना चाहिए। कह रहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं शिक्षा, अभी अभी हमने बताया कि ये राज्य सूची का सब्जेक्ट है, सही है। जनगणना ये संघ सूची का सब्जेक्ट है, ये भी सही है। फिर राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये तो हमने चिल्ला चिल्ला कर बताया कि भाई चौथी अनुसूची से रिलेट करता है, तो कहां से दूसरी अनुसूची आ गई। और दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्तों की चर्चा है, वेतन एक की पॉइंट आप याद रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि दूसरी अनुसूची में या वेतन एवं भत्तों की चर्चा संविधान के किस अनुसूची से रिलेट करती है, तो वो दूसरी अनुसूची है। बाकी राज्यसभा के सीटों का जो आवंटन या बंटवारा है वो तो चौथी अनुसूची से रिलेट करता है, यही तो आपका गलत हुआ ना। दल बदल विरोधी कानून, ये दसवीं अनुसूची आपको पता होगा, 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से जोड़ा गया। क्वेश्चन एक का पूछा गया, यूपीपीसीएस 2019 के प्री में क्वेश्चन पूछा गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा एजुकेशन जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। अभी अभी हमने बताया कि भैया जो समवर्ती सूची है, ये समवर्ती सूची में प्रारंभ में 47 सब्जेक्ट हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 52 सब्जेक्ट हैं, तो जायज है कि संविधान संशोधनों के माध्यम से इसमें बढ़ाए गए होंगे। तो यही तो संविधान संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया और 5 सब्जेक्ट बढ़ाए गए। कौन कौन से? एक तो आपका यही है शिक्षा है, दूसरा हमने बताया कि वन, तीसरा हमने बताया कि वन्य जीव एवं पंछियों का संरक्षण, और चौथा हमने बताया कि भाई माप तौल बताया, और एक पांचवा हमने बताया कि न्याय प्रशासन। ये देखिए कब कब क्वेश्चन, लोअर पीसीएस 2008 में, फिर यूपीपीसीएस मेंस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सुमेलित करना है केंद्र सूची, ये सूची दी गई है, और उसके बाद आपका जो है मिलान करना है। केंद्र सूची से कौन सब्जेक्ट रिलेट करता है? अच्छा, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, ये तो अभी हमने बताया कि भाई राज्य सूची से रिलेट करता है, रिलेट कर लीजिए। फिर उसके बाद आंतरिक अनुसंधान, ये देखिए आंतरिक अनुसंधान एक ऐसा अनुसंधान है जो विषय है अवशिष्ट सब्जेक्ट के रूप में। अवशिष्ट सब्जेक्ट वे सब्जेक्ट होते हैं जो तीनों अनुसूचियों में नहीं होते हैं, चाहे वो राज्य सूची हो, समवर्ती सूची हो, या केंद्र सूची हो, संघ सूची। अगर तीनों में कोई ऐसा सब्जेक्ट उभर कर आ जाए जो तीनों में ना हो, ऐसे विषय को अवशिष्ट विषय कहते हैं, और इस पर कानून बनाने का जो राइट होगा, अधिकार होगा, वो केंद्र का होगा। एक बार ये पूछा कि अवशिष्ट विषयों पर केंद्र के द्वारा बनाया जाता है कानून, ये प्रावधान कहां से लिया गया? तो ये प्रावधान कहां से लिया गया भैया? कनाडा से लिया गया। इतना क्वेश्चन पूछा गया है, फिर तो मिला दीजिए ना। समवर्ती सूची ए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, अभी अभी हमने बताया। ए जनगणना किससे है? तो केंद्र सूची से मिला दीजिए। क्लियर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किया गया? तो दल बदल, अभी हमने बताया कि जो दसवीं अनुसूची है इसको 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से इसको जोड़ा गया है। एक्चुअली एक व्यक्ति थे आयाराम गयाराम, उन्हीं के एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने और दूसरी पार्टी से एक नेक्स्ट पार्टी में आने से कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां थी, जो सत्ता थी, वो परिवर्तित हुई। तो बाद में ऐसा कुछ हुआ जैसे ना कि जो बहुमत होता है इतने समय टोटल जो सीटें हैं 550 सीटें हैं, हालांकि 545 पर चुनाव होता है, तो टोटल 272 सीटों का आना जरूरी होता है। लेकिन बहुमत दल की सरकार बनी है, और बहुमत दल की सरकार में कोई विधायक या सांसद को खरीद ले, 4-5 विधायक टूट के दूसरी पार्टी में चले जाएं, तो सरकार तो पूरी गिर जाएगी ना। और 1985 से पहले जब एक कानून नहीं था, दसवीं अनुसूची नहीं थी, तो बार बार सरकारें गिरती थी, इससे जो विकास की धारा है वो प्रभावित होती थी। ये हुआ कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से दसवीं अनुसूची लाई जाए और उसी में दल बदल कानून एंटी डिफेक्शन ला जोड़ा जाए, ठीक है ना। तो ये चीजें की गई, बाद में ये चीजें कम हुई कि कोई दल बदल करता है तो क्योंकि उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो क्लियर हो गया होगा, ये IAS 1998 और 2014 में क्वेश्चन पूछे गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? संघ सूची, रक्षा भी संघ सूची से है, रेलवे भी संघ सूची से है, वैदेशिक मामले भी संघ सूची से है, कृषि यही तो नहीं है, कृषि राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय। अच्छा देखिए, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस वाले बनाए हैं 2011 में क्वेश्चन, तो उनका जो क्वेश्चन होगा काफी आसान होता है, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सरकारों द्वारा शुल्क कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? अब देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची से रिलेट करता है, तो जो सातवीं अनुसूची है, सातवीं अनुसूची में ही तो शक्तियों का बंटवारा किया गया है कि केंद्र किस पर कानून बनाएगा, राज्य किस पर कानून बनाएगा, तो कौन किस पर टैक्स लगाएगा, ये भी बातें जो है सातवीं अनुसूची में की गई हैं। तो 19 नंबर का जो क्वेश्चन होगा इसका बी ऑप्शन होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 जरा देखना, कह रहा है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पत्रकारों को अंतरण अकृत तथा शून्य घोषित किया जा सकता है? अब देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, जो पांचवी अनुसूची है इसी पांचवी अनुसूची में ये सारी चीजें कही गई हैं। पांचवी अनुसूची में जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति एससी एंड एसटी क्षेत्र, सुनना जरा, एससी एंड एसटी ये जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के प्रशासन और इनके नियंत्रण के विषय में उपबंध किया गया है। और जो छठी अनुसूची है यह स्पेशल चार राज्यों के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विषय में कह देती है। उसमें आपको मैंने बताया कि असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और एक है मिजोरम। तो ये चार राज्य छठी अनुसूची से रिलेट करते हैं, तो ये जो ऑप्शन आपका होगा वो पांचवीं अनुसूची होगा, ठीक है ना। पांचवीं अनुसूची में भी है कि राष्ट्रपति क्या करता है कि जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करता है, और जनजातीय सलाहकार जो परिषद होगी उसके सदस्यों की नियुक्ति, कितने सदस्य होंगे, अध्यक्ष कौन होगा, ये सब सारे डिसीजन राज्यपाल लेता है। यहां तक कि राज्यपाल इस पांचवीं अनुसूची के क्षेत्र से संबंधित संसद के द्वारा या फिर राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई भी कानून जो बनाया गया है उसको लागू कर सकता है या नहीं लागू कर सकता है, ठीक ना भैया। तो इतना कुछ आपने इसमें जाना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के विषय में उपबंध आईएएस 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी हमने बताया कि पांचवीं अनुसूची, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 जरा देखना, कह रहा है कि भारत के संविधान में पांचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? ए ऑप्शन जरा देखना, कह रहा है कि अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, ऑफकोर्स राज्यों की सीमाओं का निर्धारण नहीं, पंचायतों की शक्तियों नहीं, सभी सीमावर्ती राज्यों के संरक्षण नहीं, ए ऑप्शन। कब क्वेश्चन पूछा गया? ए आईएएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। देख रहे हैं कि कितना सिंपल और आसान चीजें आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जरा देखना, कह रहा है कि भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो अभी हमने बताया कि चार राज्य हैं, एक राज्य है असम, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा और देन मिजोरम। कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में लागू होता है, तो त्रिपुरा ही राज्य है, ऑप्शन में त्रिपुरा ही है इनमें में से, इन चारों में से, तो इसी में लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? ये देखिए यूपीपीसीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। जो 11वीं अनुसूची है आपको पता होगा कि यह 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ी गई ग्राम पंचायत के रूप में, पंचायती राज व्यवस्था के रूप में, या स्थानीय प्रशासन या ग्रामीण प्रशासन। और जो 12वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची, इसको 74वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ा गया। अब पूछ रहा है कि इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? इसमें टोटल का टोटल 29 सब्जेक्ट हैं और इस पर कानून बनाने का काम राज्य विधानमंडल करती है। हालांकि इसमें से कुछ सब्जेक्ट राज्य विधानमंडल चाहे तो वह जो है स्थानीय प्रशासन को दे सकती है कि आप चाहें तो इस पर कानून बना सकते हैं, ठीक ना। और यहां पर जो स्थानीय शहरी प्रशासन है यहां पर टोटल 18 सब्जेक्ट हैं, इतना आपको जानना चाहिए। तो टोटल 29 सब्जेक्ट, इसी ऑप्शन आपका होगा।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम लोग उद्देशिका, प्रस्तावना, प्रियम्बल, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए अपने देश के नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्रदान करने के लिए व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज 26 नवंबर 1949 को एतत् संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल प्रियम्बल की बारी। थैंक यू।